राधा कृष्णा, आज मैं जो केस आपको दिखाने वाला हूँ, छोटी सी बच्ची का केस है। ये जब बच्ची 3 महीने की थी तो इसके चेहरे पर लिक्विड रमा हो गया था। तो पहले तो जब ये 3 महीने पहले मेरे पास में आए थे, मतलब जब ये बच्चे 3 महीने की थी तो उस समय मेरे पास में आए, तो उस समय बहुत हल्के निशान थे। तो उस समय आइडेंटिफाई करना इनको मुश्किल था कि ये लिक्विड रमा है या फिर एक चेपा टाइप की बीमारी होती है, टीनिया वर्सिकुलर्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको आम भाषा में चेपा बोलते हैं, जो कि फंगस इन्फेक्शन की वजह से या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है बच्चों को। तो मैंने कहा था कि मे भी हो सकता है कि ये चीज़ हो, इतने छोटे बच्चों में लिक्विड रमा कैसे डेवलप हो जाएगा। तो हमने उनको कहा था कि आप जाइए और बच्चों को कैल्शियम की दवाई खिलाइए, और अगर नहीं सही हो तो आप 3 महीने के बाद में मेरे पास आइए। ये गए, उन्होंने कैल्शियम की दवाई ना खिला के इन्होंने अन्य दवाई खिलाई। स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी ये गए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाने के बाद भी ये इनका ठीक नहीं हुआ। मतलब वो 3 महीने पहले की इनको बात मेरी समझ में नहीं आई। बच्ची का मामला था, लड़की है, तो सोचा कि चलिए डॉक्टर साहब ने तो मेडिसिन दी नहीं है, हम बाकी लोग बाकी डॉक्टर के पास हम दिखाते हैं। देखिए, जहाँ जब मुझे समझ में आता है कि इन पेशेंट का काम बिना मेडिसिन के चल सकता है, तो हम उनको पेशेंट मेडिसिन नहीं देते हैं, और हमें लगता है कि इस पेशेंट को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए या फिर बिना मेडिसिन के दिए काम चल सकता है, या फिर अभी बीमारी ऐसी नहीं है कि जो डेवलप हुई हो, हम मेडिसिन नहीं देते हैं। फिर ये गए एलोपैथी डॉक्टर के पास में, एलोपैथी डॉक्टर ने इनको चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम भी दिए, अच्छा आँख में डालने की दवाई भी दी। मुझे ये समझ नहीं आया कि उस डॉक्टर ने इनको आँख में डालने की दवाई क्यों दी। फिर बच्ची 6 महीने की हुई और चेहरे पर बहुत बुरी कंडीशन थी, मतलब कि अगर उस समय ये 2% था तो अभी ये 100% चेहरे पर आप देख सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई हो गया कि ये पक्का ही ल्यूकोडर्मा है। मैंने इनकी मदर की पूरी प्रेगनेंसी हिस्ट्री ली कि बताइए कि प्रेगनेंसी में क्या हुआ, क्योंकि मान लीजिए अगर इस तरह के बच्चों को कोई बीमारी है, छोटे बच्चों को अगर कोई भी कोई भयंकर रोग होता है, वो चाहे ल्यूकोडर्मा हो या फिर चाहे सोरियासिस हो या फिर चाहे डायबिटीज़ हो या थायराइड हो या कहीं कोई अन्य समस्या हो, तो मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री बहुत आवश्यक होती है लेना। तो मैंने मदर की प्रेगनेंसी की हिस्ट्री को लिया और फिर मैंने इनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। ईश्वर की कृपा थी कि लगभग 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर अंदर बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई, और ये मैंने मतलब ये चमत्कार ही है कहना चाहिए। और मैं भी आश्चर्यचकित था इस बच्चे को देख के कि यार अभी तो 1 महीने पहले दवाई लेके गई थी और 1 महीना तो ऐसे निकल जाता पता नहीं लगता, आज 1 तारीख के पता लगा कि 29 हो गई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे देख के कि यार ये तो ठीक हो गई है बच्ची, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई है बच्ची। यहाँ पर मैंने बच्ची के जो साथ में आए थे, उनकी सिस्टर आई थी और उनके फादर आए थे, तो मैंने यहाँ पर उनकी वीडियो बनाई है और आप सुनिए वो क्या कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ल्यूकोडर्मा हो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपका ल्यूकोडर्मा 100% सॉल्व हो जाएगा। ल्यूकोडर्मा के ऊपर हमारी पहली वीडियोज़ पड़ी हुई है, आप उनको देखिए और आप कॉल करके पता कर सकते हैं किस तरह से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। कोशिश करें, अगर हो सके तो आप सबसे पहले क्लिनिक पर आप विज़िट करें। कोशिश आप ये करें कि क्लिनिक पर आप ट्रीटमेंट लेने के लिए एक बार तो कम से कम आएँ, उसके बाद में फिर आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बहुत दूर है देन आप ऑनलाइन ले सकते हैं, परंतु एक बार तो आप कोशिश करें कि एक बार क्लिनिक पर आप अवश्य ही आएँ। चाहे ट्रीटमेंट स्टार्ट आप कर लीजिए, चाहे बीच में आ जाइए 2 महीने बाद 3 महीने बाद, परंतु आए तो अवश्य ही। तो सभी लोग बोर्ड बना लें कि एक बार क्लिनिक पर जरूर विजिट करें। ओके, चलिए आप ये वीडियो देखिए, परमात्मा सभी का भला करे। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अच्छा, आप तो मम्मी नहीं है इनकी, मैंने अभी ध्यान दिया, कौन बैठा है यहाँ पे? हाँ, मम्मी आई थी ना इनकी? हाँ, क्या दोनों तीनों बार वही आई मम्मी है, मैंने अभी ध्यान दिया। हाँ, कोई और बैठा है यहाँ पे। चलो, क्या मतलब ये कब से हुआ था इनको, बेटी को कब से हुआ था ये? ये तो ऐसा समझ लो कि 3 महीने 3 साढ़े 3 महीने हो गए। ये 7 महीने की तो है फिलहाल, अभी ये 8 महीने की हो गई। 7-8 महीने की हो गई। ठीक है, तो ये कब से हुआ था इसको, बच्ची को? ये तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 3 या 3.5 महीने हो गए होंगे। अच्छा, हाँ, तो ये यहाँ दिख रहा था पहले, ये यहाँ साइड में आंखों के, हाँ, दोनों साइड में बिल्कुल सफेद हो गए। बिल्कुल नहीं, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। तो कुछ पता ही लगा था कि क्यों हुआ,
नहीं ये तो नहीं, क्योंकि जब से पैदा हुई तब से दवाई ये चल रही है उसकी। कहाँ दिखाया आपने? दिखाया तो नगीने में दिखाया था, नगीने में फिर वो हमारे यहाँ आते हैं ना एक, वो दर्द की दवाई देते हैं, हाँ उन्होंने बताया बोला इसको कहीं मत दिखाओ, सीधा वहाँ ले जाओ। चलो अच्छा, आपने कहा कि बचपन से दवाई चल रही है, बचपन से किस चीज़ की दवाई चल रही है? वो तो अलग ही चीज़ की चल रही है। अच्छा, कभी कभी खराब होती रहती है, कभी बुखार, वो तो बच्चों को लगा रहता है। हाँ ये चल रही है, तो कोई क्रीम व्रीम तो कोई क्रीम व्रीम तो नहीं लगाया था? आप ले जाओ, बाहर ले जाओ उनको, चुबा लो उनको, नाक लग गई इनकी यहाँ पर। तो अच्छा, खाली नगीने में दिखाया था तो उसमें अच्छा, जब डालने वाला ड्रॉप दिया था। अच्छा हाँ, आँख में डालने का ड्रॉप दिया था बता रहे थे आप। हाँ बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि आँख में डालने का ड्रॉप दिया क्यों था, बीमारी तो कुछ और है, दवाई कुछ और दे रहा है। देखो आप डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर मतलब पढ़े लिखे थे कि ऐसे थे? ये तो मैं नहीं जान सकता। अच्छा इतनी तो वही, चलो ठीक है, एक आदमी जो दुकान खोल के बैठा है या डॉक्टर की दवाई दे रहा है, हम तो डॉक्टर ही समझेंगे। आप उन्हें एक चीज़ होता है ना, है या नहीं, एक तो होता है, एक तो होता है पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक होता है सीखा हुआ डॉक्टर। वो सीखा हुआ होगा तभी उसने दवाई ले दिया। पढ़ाने में नहीं बता सकता कि वो सीखे हुए थे या क्योंकि क्योंकि ऐसा है ना, देखो मान लो कि अगर रोग कुछ और है, दवाई आप कुछ और दे रहे हैं आँख में डालने वाली, कि आप बच्चों को आँख में डालने वाली दवाई आप ऐसा मत समझिए कि वो हल्की फुल्की होती है, वो साइड इफेक्ट भी कर सकती थी। वो तो ऊपर वाले का कर्म है कि साइड इफेक्ट नहीं किया बच्चे को, और टाइम पे रहते आप, उन्होंने भी आपको सही सलाह दी थी कि आप होम्योपैथी इलाज कर लो। नहीं तो हमने खाली एक नगीने में दिखाया, और एक जगह और कहीं दिखा था, बाकी तीसरी बार यही दिखा। जब मेरे पास में पहले आए थे तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टाइम जब आए थे पहली बार, मैं यहाँ का लड़का आया था। अच्छा ठीक है, लड़का इसकी मम्मी आई थी, तो मैंने शायद उस समय इनको भेज दिया था ऐसे कि आइए दवाई दी थी आपने 15 दिन की, ठीक है बोला ये खिला और 15 दिन के बाद इसको ले आना। हाँ ठीक है, 15 दिन के बाद में फिर मैं आया था साथ में। ठीक है ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में भी मैं आया। ओके ओके, अभी भी मैं आया। तो उस समय तो चेहरे पर काफ़ी दाग आ गए थे सफ़ेद रंग के। ये यहाँ अरे की दाना यहाँ था, बाकी जिस टाइम शुरू में हम आए ना, 24-8 को, 24-8 है ना, 24-8 24-8 में जब हम आए, आपने फोटो जब इसका खींचा था तो इसमें यहाँ भी नज़र आ रहे थे। हाँ वो नज़र आ रहे थे, मैंने फोटो देखी और मैंने तो अभी ध्यान, मैंने तो अभी ध्यान किया कि इसका भी फोटो में भी था। जब मैंने फोटो तो हमने भी नहीं देखा। हाँ जब मैंने फोटो तो आपके मोबाइल पे थे। हाँ नहीं मैं जस्ट फोटो तो हमारे पास ना अगस्त से पड़ा हुआ है, लेकिन फोटो का ध्यान मुझे आज ही गया है जब मैंने आज होट कंपेयर किए, क्योंकि आज क्योंकि इस समय होट का कलर नॉर्मल है, उस समय बिल्कुल लाइट था कलर होटो का, क्योंकि होटो पे भी आ जाता अगर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट ना होता तो, क्योंकि अभी इस समय होटो का कलर कुछ और है, पहले फोटो में कलर कुछ और था, इसलिए हमारा ध्यान गया, हमने सोचा कि होठ गुलाबी वैसे हो रहे होंगे, वो वैसे नहीं, वो कलर साफ हल्का हो गया। शायद ये अपने नानी के यहाँ गई है तो इसलिए 8-10 दिन 10-12 दिन हो गए वहाँ जाके, तो हो सकता है शायद इसलिए होठों का कलर चेंज हो गया पानी के फर्क। देखिए उस समय पहले ये भी तो नहीं था, पहले ये पता भी नहीं था कि ये ल्यूकोडर्मा हो सकता है बच्चे को, पहले तो हम ये समझ रहे थे कि चलो कई बार फंगस इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कई बार कैल्शियम की कमी से इस तरह के रोग हो जाते हैं, पहले तो हम वो समझ रहे थे। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में कहा होगा ऐसा आपको कि इससे भी हो जाता है ये, तो आप 15 दिन के बाद लेके जाइए, उससे पता लगेगा मैं क्या रोग है इसको बच्चे को। फिर 15 दिन के बाद फिर मैंने आपके लिए ल्यूकोडर्मा की दवाई स्टार्ट की, और मतलब बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का कि बहुत जल्दी बच्ची ठीक, आपकी ठीक हो गई है। मुझे लगता है कि 24 अगस्त को आपने दवाई स्टार्ट की थी और आज है आपका 2 अक्टूबर, अगस्त सितंबर, मतलब मुझे तो लगता है कि 2 महीने ही पूरे होंगे, 1.5 महीने के अंदर अंदर बच्चे आपके ठीक होंगे। हाँ तो पता है कि पहले उससे बुला रही ना, पहले गिराई उसके तो कोई वैल्यू नहीं है उस दवाई की, 1.5 महीने की दवाई ये अब चली गई। हाँ 1.5 महीने की, उससे खिला के अपने लेगा। हाँ उससे पहले जो दवाई थी उससे पहले 15 दिन की, हाँ वो थी, वो थी आजमाने के लिए दवाई की रोग क्या है इसको बच्चे को। हाँ तो 2 महीने वो हमने फंगस के हिसाब से दी थी, क्योंकि इतना इतनी छोटी उम्र में ऐसे रोग के बारे में कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा रोग भी बच्चों को हो सकता है इतनी छोटी सी उम्र में, और छोटी उम्र थी इसलिए इतना जल्दी रिकवर भी हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है शायद ये दवाई जो चली ना यहाँ हॉस्पिटल से, जी जी, तो शायद उसकी वजह से किसी कई बच्चों की चलती है, है? कई बच्चों की चलती है, नहीं हो जाता है। मुझे सन 2000 में नामोनिया हुआ था,
वो नामोनिया कम से कम 3 महीने कंटिन्यू।